नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अगस्ता घूसकांड की खबर से, जिसको लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। बीजेपी के नए सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोलने की तैयारी कर ली है। उन्होंने नियम 167 के तहत राज्यसभा में चर्चा के लिए नोटिस दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सवालों से भाग रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष का नाम लिए जाने से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। पार्टी का आरोप है कि सरकार उन्हें झूठे आरोपों में बदनाम कर रही है। आज सुबह कांग्रेस की तरफ से स्वामी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया गया, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उन्हें झूठा बताया जा रहा है, मंत्री पद का भूखा बताया जा रहा है पोस्टर्स के जरिए। ये तमाम नारे उनके घर के बाहर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाए। 2 दिन हुए हैं राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी को गए हुए, और इन 2 दिनों में उन्होंने जबरदस्त हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर। इन्होंने चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी है। कड़ी नाराजगी कांग्रेस पार्टी ने उस पर जाहिर भी की। ये तक आरोप लगा दिया कि स्पीकर को उन्हें सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार का ज्यादा टाइम नहीं है। और आज नई रणनीति के साथ प्रोटेस्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला सीधे सुब्रमण्यम स्वामी के घर के बाहर। कांग्रेस ने सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ नया मोर्चा खोला। स्वामी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की भी तैनाती की गई थी। हमारे संवाददाता संजय शर्मा उस दौरान मौके पर मौजूद थे। गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ सदन में और सदन से बाहर यानी संसद और सड़क पर सुब्रमण्यम स्वामी की टिप्पणियों के खिलाफ यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए आए हैं। तो जगदीश जी, आप लोग देर हो गए, सुब्रमण्यम स्वामी तो यहाँ संसद की ओर चले गए। देखिए, इन्होंने चारों तरफ से पुलिस के द्वारा हमें रोक दिया गया, सारी बसें रुकी हुई हैं, जाम कर दिया है, और पुलिस के बड़े बड़े अफसर कह रहे हैं वहाँ आप नहीं जाएंगे। तो ये बीजेपी की बदमाशी, हम अपना अधिकार अपनी बात भी नहीं रख सकते, विरोध भी नहीं जता सकते इस युग में। और सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो इस तरह की बातें करते हैं, वो प्रधानमंत्री जी चाहिए कि ऐसे नेताओं को दूर करें। वो चाहते कहां हैं, जिस पार्टी में जाते हैं उसको वो खत्म करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का और बाकी लोगों का ये कहना है कि इटली की कोर्ट के फैसले के आधार पर वो ये कह रहे हैं। देखिए, इटली की कोर्ट के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम मना नहीं करते हैं, पर 2 साल से भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ चुनाव ये बात करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, कोई तथ्य नहीं होता है इनके पास, कोई ठोस ऐसी चीज नहीं। इनको बहाना चाहिए, जब भी पार्लियामेंट चलना होता है कोई इस तरह की कोई बात करके बंद करा देते हैं। ये काम में विश्वास नहीं रखते, सब जुमलों में विश्वास रखते हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और देश की जनता आप समझ गई है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सोनिया गांधी और इस परिवार के खिलाफ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अगस्ता डील को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार ये टकराव बना हुआ है। दोनों ही पक्ष आक्रामक हो रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के घर के बाहर आज नई रणनीति के साथ कांग्रेस ने मोर्चा खोला, विरोध प्रदर्शन किया कार्यकर्ताओं ने। राजनीति की तरह करी जा रही है, देश में लोगों ने उनको बहुमत दिया है। एक तरफ बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस चर्चा से भाग रही है, सवालों का जवाब नहीं दे रही है, तो उधर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ झूठे आरोप लेकर सामने आ रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि इन आरोपों में अगर कुछ भी सच्चाई है तो जांच करवाई जाए, और जांच के जरिए खुलासा हो, आरोपियों पर कार्रवाई हो। इससे पहले कल भी कांग्रेस पार्टी 10 सवालों के साथ सामने आई थी, और इन 10 सवालों के जरिए बीजेपी पर ही निशाना साधा था, जिसमें जांच को सबसे अहम मुद्दा बनाया गया। साथ ही सीधे सीधे अगस्ता वेस्टलैंड घूसकांड के तार छत्तीसगढ़ में रमन सरकार तक से जोड़ दिए गए, और उन्हें भी लपेटे में लिया गया। कभी प्रियंका गांधी को घेरते हैं, अब सोनिया गांधी। तो आक्रामक रुख दोनों पक्ष अपनाए हुए हैं। कांग्रेस सवाल कर रही है कि सरकार ने 2 साल में आखिर जांच क्यों नहीं कराई। उधर बीजेपी का यह कहना है कि रिश्वत यूपीए सरकार के दौरान ली गई, तो उन्हें ही इसका खुलासा करना चाहिए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब अगस्ता वेस्टलैंड लोक को लेकर के आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट में तो हमने अभी दो मोशंस के लिए इंडिया एंड शिवन वाज एक्साइटेड अबाउट इट, सो या हियर शिवन विद हिज रिव्यू ऑफ द हुआई वॉच। यू मेक अ स्मार्ट वॉच लुक लाइक एन एनालॉग वॉच एंड यू आर श्योर टू